पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। मुरसाज मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज द्वारा दयाना डिग्री कॉलेज के प्रांगण में डॉक्टर ईजा सागर द्वारा लिखित काव्य संग्रह का विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद के अनेकों कवि कवित्रियों ने अपनी कविता का पाठ किया। मुरादाबाद से पब्लिक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मूसा मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज द्वारा दयानंद महाविद्यालय के सभा भवन में साहित्य विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर की प्रख्यात कवित्री डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी एवं विशिष्ट अतिथि उमाकांत गुप्ता, डॉक्टर जोली गर्ग, अर्जुन रस्तोगी एवं दीपक बाबू द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। तदुपरांत महानगर के क्विटो द्वारा काव्य पाठ किया गया। मुख्य रूप से डॉक्टर रीता सिंह, मीनाक्षी ठाकुर, कृष्ण शुक्ल, निवेदिता सक्सेना, डॉक्टर पूनम बंसल, कृष्ण शुल्क, मयंक शर्मा, आवरण अग्रवाल आदि का काव्य पाठ हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक महानगर उभरती हुई साहित्यकार डॉक्टर ईला सागर के काव्य संग्रह मानवीय भावनाओं का परिष्टकरण का विमोचन समारोह रहा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पंकज दर्पण अग्रवाल ने डॉक्टर ईला सागर की साहित्य उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर ईला सागर ने अपनी रचनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को उदयपुर से आई प्रख्यात कवित्री डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी ने अपनी कविताओं से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। विशिष्ट अतिथियों उमाकांत गुप्ता, डॉक्टर जोली गर्ग और अर्जुन रस्तोगी ने भी संबोधित किया। उमाकांत गुप्ता ने मूसास के साहित्य अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि भविष्य में भी साहित्य एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। अध्यक्ष दीपक बाबू ने बताया कि मुरादाबाद के सभी अच्छी सोच वाले कला प्रेमी को मूसास से जोड़ा जाएगा तथा भविष्य में इसी प्रकार सांस्कृतिक एवं साहित्य आयोजन किए जाएंगे। आभार व्यक्ति राजू टंडन ने की। कार्यक्रम में गौरव गोयल, डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर रेणु शर्मा, सरिता लाल, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, डॉक्टर भरत भूषण अग्रवाल, डॉक्टर एमपी बादल, शालिनी भारद्वाज, सुषमा गर्ग, शमा गोयल, डॉक्टर मीलू मेहरोत्रा, दीप्ति यादव आदि का सराहनीय योगदान रहा। डॉक्टर ईला सागर की पुस्तक का विमोचन हुआ था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाई। बहुत अच्छा लगा। संस्कृति को वैसे समस्त भारत में ऐसी होती है, वहाँ पर भी ये सब आयोजन होते हैं और सीखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात हुई है। सबको यहाँ के कवियों को भी हमने सुना, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया सबने और बहुत ही सबको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। और जनता को मेरी यही मैसेज यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने संस्कृति के माध्यम से पर्यावरण, जल संरक्षण और मानवता के भावों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, विकसित करें ताकि पूरी दुनिया में मानवता हो और प्रकृति का संरक्षण हो।